देखो दुनिया में हमने किसी को अगर हमें खुलेआम इमोशनल ब्लैकमेल करने का हक दिया है तो वो है हमारी माँ। दिस स्टोरी इज ब्रॉट टू यू बाय tapeatale.com। हम सब जानते हैं कि स्कूल में पढ़ाई गई हमें ऐसी कई सारी थियोरीज है जो हमें लाइफ में ना कभी सीधे सीधे काम नहीं आती। जैसे मुझे अभी भी याद है वो थियोरी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मुझे अभी भी वर्ड फॉर वर्ड याद है। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे सर आइज़ैक न्यूटन के काम में कोई खास दिलचस्पी है, पर मेरी लाइफ में ना एक और ऐसी हस्ती है जिन्होंने इन सभी नियमों का मेरे लिए ना मतलब ही बदल दिया है। वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरी माँ है। तो इमेजिन दिस, क्लास 9th में जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहीं मैं घर पर समझ रही थी माँ के लॉज ऑफ इमोशन, जिन्हें मैंने साइंस की बोरिंग लैंग्वेज से बचाकर आज आपके लिए 3 डायलॉग्स में डिस्टिल कर दिया है। सुनाओ। पहला, बेटा खाना खा लो ठंडा हो रहा है। रेस टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ मिनट्स यू हैव स्पेंट फ्रोजन इन फ्रंट ऑफ द टीवी। न्यूटन वॉज राइट, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। Here I was the object and the force was my mother's passion for serving hot food. Dusra, dekho variables na sirf Newton ke laws mein ho sakte hain. Ma ke laws of emotion mein any difference of opinion is not appreciated. It is always met with a classic response. Ye sunne ke liye bada kiya tha tujhe maine. Teesra aur final. Ma hu main teri aur hamesha ma hi rahungi. देखो दुनिया में हमने किसी को अगर हमें खुलेआम इमोशनल ब्लैकमेल करने का हक दिया है तो वो है हमारी माँ। मुझे तो लगता है कि न्यूटन ने भी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, पर अपनी माँ को कुछ सिखाने की गलती नहीं की होगी। मुझ में और न्यूटन में बस इतना ही फर्क है, बाकी हम सेम टू सेम है। मतलब मुझे भी अपने काम करते वक्त ना कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। खैर ये बात तो तब की है जब माँ मेरी 7 साल के बाद पहली बार मेरे साथ शहर में रहने आई थी। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली वो छुट्टी लेकर यहाँ पे घूमेंगी फिरेंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनकी रिसर्च का सब्जेक्ट तो कुछ और ही है। अब मैं तो यहाँ इतने सालों से सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही हूँ, घर से दूर रहकर जिम्मेदारी और आज़ादी दोनों को निभाना ना आसान खेल नहीं, पर क्योंकि इसमें जीत के भी आपको अपने लिए तालियाँ खुद ही बजानी पड़ती हैं। और जिस दिन माँ घर आई तो वो भी समझ गई कि कोई और तालियां क्यों नहीं बजाता है, क्योंकि घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें सबसे पहले दिखी मेरे घर की धूल, जाले, फ्रिज में सड़ रही सब्जी। और उस दिन से शुरू हुआ मेरे घर पे स्वच्छ भारत अभियान। अब देखो वर्क फ्रॉम होम के ना कई फायदे हैं, लेकिन जब आपकी माँ लैपटॉप की स्क्रीन की दूसरी तरफ से आपको अजीब अजीब इशारे करके समझाए कि बेटा धनिया खत्म हो गया है मंगा दो जरा, तो आप भी एक पल के लिए अपने लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करोगे। मतलब बताओ यार, ऐसे में कोई अपने काम पे, अपने रेवोल्यूशनरी काम को प्रायोरिटाइज कैसे करेगा। एक दिन ऐसे ही मैं किसी मीटिंग में थी और माँ ने ना किचन से पुकारा, बेटा खाना खा ले ठंडा हो रहा है। मैंने तुरंत अपना कॉल म्यूट पे किया और उनसे कहा माँ नहीं खाना। अब वो आगे कोई पूछताछ करे उससे पहले मैंने चिढ़कर कह दिया कि मैं अपना खाना खुद गर्म करके खा सकती हूँ, आप प्लीज मुझे ना काम के वक्त डिस्टर्ब मत किया करो। ये कह के मैंने अपना लैपटॉप उठाया और अपने कमरे में चली गई। फिर मीटिंग कब खत्म हुई और कब मेरी आंख लग गई मुझे याद ही नहीं। जब नींद खुली तो बिस्तर पर माँ मेरे पास बैठी थी और गुस्सा उनकी नाक पर। मैंने आधी नींद में उनसे पूछा क्या हुआ, ये सुनने के लिए बड़ा किया है तुझे मैंने। आई डिजर्व दैट, बट इट इज वॉट शी सेड नेक्स्ट दैट एक्चुअली शुक मी। तुझे तो अब मेरी जरूरत ही नहीं है ना, बस काम के पीछे पागल हो गई है। तूने कभी सोचा है कि मैं भी कितना काम करती हूं, कभी सोचा है कि मुझे क्या चाहिए। माँ का ये जवाब ना मुझे बड़ा ही आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था,
मतलब हमें बचपन से सिखाया गया है ना कि अपनी किसी भी जरूरत के लिए माँ के पास जाना है, पर जब एक दिन माँ अपनी जरूरत लेकर हमारे पास आएगी तब क्या करना है ये किसी ने नहीं बताया। सो देन आई डिड व्हाट आई डू बेस्ट, मैंने चाय बनाई हम दोनों के लिए, फिर हम बैठे और हमने ढेर सारी बातें की। एक बार फिर माँ अपना गुस्सा चाय में घोलकर पी गई। मैंने उनसे वादा किया कि माँ अब से ना शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी, आप आराम करो, जिस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोली कि तू अपने काम पे ध्यान दे, ये सब तो मैं संभाल लूंगी। यू नो वी सी आवर पेरेंट्स एज आवर केयर टेकर्स एंड दैट्स फाइन, पर एक वक्त आता है जब हमारे माँ बाप हमसे ज्यादा कुछ तो नहीं पर हमारा वक्त ही चाहते हैं, पर वो कह नहीं पाते, बस हमारे पास रहने आ जाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि हम उनके अजीब अजीब इशारों का मतलब समझें। उस वक्त मैंने भी इंसिस्ट करना चाहा कि नहीं माँ, खाना मैं ही बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना तीसरा नियम लागू कर दिया, देख तू कितनी भी बड़ी और जिम्मेदार हो जाए, माँ हूं मैं तेरी और हमेशा माँ ही रहूंगी। इससे ना एक बात तो मेरे लिए साफ हो गई कि जहां एक तरफ न्यूटन जैसे वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना पूरा समय दुनिया को समझने में लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ हमारी माँ है जिन्होंने हमें अपनी दुनिया मानकर बचपन से समझा है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि दुनिया समझने से पहले अपनी माँ को बेहतर समझूं। मदर्स लॉज ऑफ इमोशन, माँ के लॉज ऑफ इमोशन अब मेरे लिए ज्यादा कीमती है। थैंक यू।